अक्टूबर का लास्ट मंथ है और सर्दी शुरू होने वाली है। अब हमारे जो अपने यहाँ यूज़ होगी धनिया, पालक, मेथी, सर्दी की सब्जी है, वो मैं बास्केट में ग्रो करूँगी। बास्केट के लिए हम कैसी सॉइल तैयार करेंगे ताकि हल्की सॉइल बने और ग्रोथ भी प्लांट्स की अच्छी हो, जो हमारी सब्जी उगाएंगे उनकी ग्रोथ अच्छी हो, तो उनके लिए मैं आपके साथ वो सॉइल शेयर कर रही हूँ कि मैंने कैसी सॉइल तैयार की है बास्केट्स के लिए। ये सीड हैं पालक, धनिया, मेथी, और ये मैंने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से मंगवाए हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना, तो इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, पहले भी हमने इसको ट्राई किया है, तो ये हम ग्रो करेंगे। इसके लिए मैं सॉइल आपको दिखाती हूँ। 20% मैंने गार्डन सॉइल लिया, 10% मैंने वर्मी कंपोस्ट लिया, और आप अगर कोकोपीट चाहें तो कोकोपीट इसमें यूज़ कर सकते हैं, पर मैंने ये गेहूं का भूसा, जिसे पराली बोलते हैं, तूड़ी बोलते हैं, वो मैंने ली है। उसका रिजल्ट 100% बहुत अच्छा निकला है, और उसको मैंने कवर भी किया। एक वुड डस्ट, इसका भी रिजल्ट बहुत अच्छा निकला है, और मैंने यूज़ करने के बाद आपके साथ ये बात शेयर कर रही हूँ कि इनके रिजल्ट कैसे निकले हैं। आप कोकोपीट ले सकते हैं, गेहूं का भूसा ले सकते हैं, पराली, धान का, और ये वुड डस्ट, ये भी हमारी सॉइल को बहुत ही हल्का बनाता है। और इसके साथ मैंने ये डीकम्पोस्ट, आप देख रहे हैं बिल्कुल ब्लैक मिट्टी की तरह बनी हुई है, ये डीकम्पोस्ट खाद जो कि हम इसमें यूज़ करेंगे। और मैं ये जो पालक धनिया उगाऊंगी उसमें मैं 2 या 3 बार ये काउडंग का यूज़ करूंगी, क्योंकि इनमें नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है, नाइट्रोजन की मात्रा की वजह से ही जो लीव्स हैं वो घने बनते हैं, और पालक, मेथी, धनिया में हमें लीव्स की ही ज़रूरत होती है, तो इसके लिए मैं पानी भी इनको काउडंग का ही दूंगी, और एक मैं मस्टर्ड केक, क्यों सर्दी का मौसम आ गया, मस्टर्ड केक यूज़ करूंगी। तो आप इन चीज़ों को यूज़ करें। अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं हैं, विकल्प नहीं हैं, तो आप कोकोपीट भी यूज़ कर सकते हैं, जिसे आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। अब मैं इसको मिक्स करके इन बास्केट्स में भर लूँगी। आप मिट्टी में इसको सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। एक टोकरी में मैं पालक, धनिया, सरसों का साग और मेथी बीज रही हूँ, और उसके लिए मैं जो वाटर का यूज़ करूँगी वो मैं काऊ डंग का जो पानी है उसे यूज़ करूँगी। आप इसमें वुड डस्ट ही बिल्कुल कवर कर दें, अपने जो सीड है ना उनको बिल्कुल कवर कर दें ताकि वो कवर हिले नहीं। एक बात और, यहाँ पे आप अगर सीड्स को पानी देते हैं तो हमेशा शावर के साथ दें, या इसके ऊपर, मैंने अपनी कई वीडियो में बताया, या इसके ऊपर अखबार का टुकड़ा रख लें, या इसके ऊपर हरी घास जो आपके गार्डन से निकलती है या आप बाहर से ले आए उसको आप कवर कर दें, और हमारे सीड को गर्मी भी मिलेगी, और दूसरा उसको पानी अगर मिलेगा, पानी तो वो नीचे चला जाएगा पर सीड नहीं हिलेंगे। आप शावर के साथ ही पानी दें ताकि हमारा सीड हिले नहीं। आप हमेशा जो भी आप ये बीज उगाते हैं सर्दी वाले खास करके, उनको आप मस्टर्ड केक का पानी दें या आप काउडंग का पानी दें, तो आप देखेंगे कि आपके जो सब्जी वाले प्लांट्स हैं वो बहुत जल्दी ग्रो भी कर गए हैं, सीड फूटने भी शुरू हो गए हैं, और उनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी हुई है। तो मैं यहाँ पे काउडंग का ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ। ये 1 सप्ताह की ग्रोथ है। आप सीड को हमेशा स्प्रे से पानी दें, और साथ में सीड को कभी भी ड्राई मत होने दें। जब ड्राई होने लग जाएगा तब आपका सीड मर जाएगा, वो जर्मिनेट नहीं होगा। एक मैं और बताऊं, पालक को सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, तो उसको आप स्प्रे करते रहें बिना नागा, और इसको आप पालक को हमेशा अपने प्लांटर को
7-8 घंटे वाली धूप वाले प्लेस पे रखें ताकि पालक को और वैसे सर्दी की सभी सब्जियों को आप ये मेथी धनिया पालक उगाया हुआ है मेरे अलग अलग प्लांटर में और हैंगिंग बास्केट में भी उगाया है। और यहाँ पे मेरे कई व्यूवर्स ने पूछा कि आप मैडम इस कौन से प्लांटर लेते हैं, तो मैं आपको उनको बता दूं कि ये पीवीसी शीट है जो हमारी दीवारों पे बाल करने के लिए आजकल चलती हैं, उसके बचे हुए टुकड़े हैं, उसकी भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाली हुई है। ये पीवीसी शीट है, उसके मैंने प्लांटर बनाए हुए हैं और उन्हीं में मैंने पालक मेथी और धनिया भी ग्रो किया हुआ है। ये 1 month की ग्रोथ है हमारे धनिया पालक और मेथी, प्याज और लहसुन में भी मैंने उगाया है। और इनके लिए आप हमेशा जो भी पानी देते हैं वो सादा पानी ना देके आप हमेशा काउडंक जो कि भिगो के रख लें आप, और मस्टर्ड केक 1 दिन के लिए भिगो दें। अगर आप ज़्यादा टाइम के लिए भिगोते हैं तो उसमें स्मेल अजीब सी आएगी। ये मस्टर्ड केक का एक टुकड़ा आप ले लें, इतनी बास्केट के लिए एक मस्टर्ड का टुकड़ा बहुत है। इसको आप पानी में भिगो दें सिर्फ 1 दिन के लिए। अगर आप 2 घंटे भी भिगो के इसको रखेंगे तो आप देखेंगे कि वो बहुत अच्छा लिक्विड बन गया है। ऐसा लिक्विड मस्टर्ड केक का तैयार हो जाएगा। तो आप इसमें पूरी अच्छी तरह क्वांटिटी में पानी डाल दें, तकरीबन 10 लीटर पानी आप डाल के इस लिक्विड को तैयार करके आप 1-1 गिलास के हिसाब से अभी सभी प्लांट्स में डाल दें। अगर आपकी बास्केट है उसमें आप 1/2 गिलास यानी 100 ग्राम के हिसाब से आप उसमें वाटरिंग कर दें। और एक ये काउडंक वाला पानी, मैं आपको इसी वीडियो में मैंने कई बार बता दिया कि आप काउडंक को भी भिगो दें और ये मस्टर्ड केक को भी भिगो के 1 दिन के लिए रख दें और आपका ये पानी ऐसा तैयार हो जाएगा। और इसमें कोई किसी भी तरह की कोई स्मेल नहीं है, जैसे हमारी सरसों के तेल में स्मेल आती है 1 दिन के लिए वैसी स्मेल है। तो आप ये पानी आप 1/2 गिलास के हिसाब से सभी प्लांट्स में दें और देखेंगे कि आपने दिया अच्छी तरह से 1/2 गिलास के हिसाब से, तो आप देखेंगे कि इन सभी जो सीजनल प्लांट हैं हमारे सीजनल सब्जी हैं उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हुई है। धनिया पालक मेथी सरसों का साग और अगर आप बीज रहे हैं लहसुन या प्याज तो उनमें भी आप इसकी वो दें तो उनकी रूट्स बहुत अच्छी बनेगी। रूट्स अच्छी हैं तो लहसुन और प्याज हमारे बहुत अच्छे ग्रोथ करेंगे। आप इस तरह से ऑर्गेनिक अपनी सब्जियां उगाएं और ऑर्गेनिक ही इनको फर्टिलाइज़र दें। अगर आप जल्दी हार्वेस्ट कर लेते हैं बेबी स्पेनिच के हिसाब से, अगर आप जल्दी हार्वेस्ट कर देते हैं तो कोई फंगस या कीड़ा लगने का भी इनको कोई डर नहीं है, वो आप हार्वेस्ट करके यूज़ करें। तो अपनी फ्लावरिंग दिखाती हूँ, जो सर्दी में हमारी फ्लावरिंग शुरू हो चुकी है। हमारे यहाँ सर्दी की फ्लावरिंग शुरू हो चुकी है, गुलदाउदी, गेंदा, जाफरी, कॉस्मोस सभी प्लांट्स ने बहुत अच्छी फ्लावरिंग शुरू कर दी है और इनको देख के बहुत मन खुश होता है। ये आप देखेंगे कि ये गुलदाउदी बटन गुलदाउदी है और एक प्लांट पे गुच्छों के हिसाब से आए हुए हैं। और मेरी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें किसी और टॉपिक के साथ, मैं फिर आऊँगी। थैंक्स।